उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू द्वारा 2013 में फॉरेस्ट ऑफिसर वसूरी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए वन अधिकारियों के खिलाफ मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और राज्य को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि डीएफओ देहरादून डॉक्टर धीरज पांडे और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 20 नवंबर 2012 को लगभग 7,450 वर्ग मीटर ग्राम बिरगीवाली देहरादून में आरक्षित वन भूमि बीरेंद्र सिंह सिद्धू द्वारा एक धोखेबाज विक्रेता नाथूराम से खरीदी गई, जो कि आरक्षित वन भूमि की श्रेणी में आती है। बीएस सिद्धू द्वारा इसमें पेड़ काटे गए। डॉक्टर धीरज पांडे, जो डीएफओ मसूरी ने समय वन एफआईआर बीएस के खिलाफ जो है दर्ज कराई, जिसमें जांच की गई और मामला अभी चल रहा है। वन अधिकारियों के खिलाफ बदले की भावना से तत्काल डीजीपी बीएस सिद्धू ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। ये चिढ़कर और एज ए रिवेंजफुल एटीट्यूड मिस्टर सिद्धू ने ये एफआईआर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के खिलाफ लिखाई, जिसमें ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है समनिंग के लिए। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये सब फैक्ट्स रखे। ऑनरेबल कोर्ट हैज स्टेट द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल कोर्ट अगेंस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड देन आस्क फॉर काउंटर एफिडेविट फ्रॉम द स्टेट। मैटर विल बी हर्ड आफ्टर 4 वीक्स। इन्हीं चीज़